हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में फिर से ग्रेन चैप्टर 2 खेलेंगे। हमने पिछली बार ग्रेन चैप्टर 2 में डोर एस्केप करा था, बट इस बार आज हम बोट एस्केप करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में जरूर बताना आपको गेम कैसा लगा। अब गेम को स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट को आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। तो यार यहाँ से हमारी गेम की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस रूम से निकलना पड़ेगा, चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो मिलता है नहीं। तो इस पर ड्रॉर में चेक करता हूँ, बोट की मिली है हमें, पर उसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो किचन में छोड़ो। तो यहाँ पे देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए क्रू वगैरह। तो यहाँ पे हमें आई थिंक कटिंग पिलर मिला है, बट यार कटिंग पिलर का कोई यूज़ नहीं है बोट स्केप में, बट क्या पता काम आ जाए। तो अगर सामने से ग्रेनेड जा रही है तो हमें जल्दी भागना पड़ेगा यहाँ से। इसमें चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो यार इसकी तो की नहीं है हम पे, तभी तो हमें सेफ्टी या सिक्योरिटी की नहीं है हम पे। तो इसमें इसके लिए हमें क्रोबार चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको यहीं फेंक देता हूँ मैं। इसमें डोर हैंडल मिलता है, बट इसका कोई यूज़ नहीं है। इसमें कुछ तो मिलेगी। तो यार मेरे ख्याल से यहाँ एक की मिली है, कोई आ रहा है मेरे ख्याल से, तो हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो हमें सेव की मिल चुकी है, तो क्या पता सेव की का यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ मिल जाए हमें। तो चलो चलते हैं। तो यार हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो इसमें कुछ मिलेगा। तो यार हमें एक स्पार्क प्लग मिल चुका है, तो इसको जाके हम बोर्ड के पास लगा देते हैं जहाँ इसका यूज़ होगा। चलो, तो यार इसको हम जाके बोर्ड के पास लगा देते हैं स्पार्क प्लग को। तो आई थिंक इसको यहीं लगाना है, हाँ यहीं पे लगेगा ये। हमने स्पार्क प्लग तो लगा दिया है, बट हमें भी और कुछ चाहिए। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पे हमें कुछ तो दिखाए, ये है क्या, गैस लाइन मिल गया है हमें। ये भी मेरे ख्याल से बोर्ड के पीछे इसको डालना होगा, तभी बोर्ड चलेगी। चलो इसको ले चलते हैं वही बोर्ड के पास। तो यार मेरे ख्याल से ग्रैंड का पीछे आ चुका है हमारे, तो हमें जल्दी भागना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, इसको भी यहीं पे मैं भर देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से पीछे भरना है यहीं पे। तो यार इसको भी यहाँ पे पूरा भर देते हैं। भरने के बाद अभी हमें और भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगला यहाँ, तो यार अगला कुछ देखते हैं कहाँ मिलेगा। अभी हमें पैडलॉक की भी चाहिए, बोर्ड की तो मिल चुकी है, बस हमें एक डोर हैंडल कह रहा हूँ, हमें चाहिए एक स्टेयरिंग, बोर्ड की स्टेयरिंग, क्या पता यहाँ पे हो। तो यार इसके अंदर भी कभी कभी होती है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ यार इसी के अंदर है, तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। बोर्ड की स्टेयरिंग मिल चुकी है हमें, बस भाई इसको जाके वहीं पे लगाना है बोर्ड के पास। तो चलते हैं। तो यार ग्रेनी मेरे पीछे आ गई है, हमें बहुत ही सावधानी से जाना पड़ेगा। एक इसको बंद कर दिया, क्या पता ग्रेनी ना आ पाए। जल्दी से जाके इस बोर्ड को लगा देते हैं, फिर बस हमें एक पैडलॉक की चाहिए। तो यार पैडलॉक की का यूज़ यहाँ पे होता है, इसको पहले खोलना पड़ेगा। वो सब तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस यार अब हमें एक पैडलॉक की चाहिए, जो हमें पता नहीं कहाँ पे मिलेगी, पर हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो यार हमें रिंच मिल चुकी, तो रिंच का यूज़ मेरे ख्याल से वहाँ उसके नीचे होता है इस वाले रूम में, तो इसको वहीं पे जाके इसका यूज़ करते हैं पहले। तो इसको यार यहाँ पर लगाते हैं, तो जिससे कि वहाँ का पानी चला जाता है। तो ऊपर ग्रैनी है, तो ग्रैनी भी वहाँ चली गई उसकी आवाज़ सुन के। तो हमें ग्रैनी हमारे पीछे, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ग्रैनी हमारे पीछे आ रही है। तो यार हमें यहाँ गन मिल चुकी है, अब गेम हमारे लिए और आसान हो चुका है। तो सबसे पहले ग्रैंडपा को मार देता हूँ, तो ग्रैंडपा भी मर गया। वो अब ग्रैनी भी आ जाएगी, क्योंकि हमने आवाज़ कर दी है वहाँ पे।
तो ग्रैनी को पता चल गया होगा, तो हम यहाँ पे ग्रैनी को भी मार देते हैं। तो ग्रैनी भी मर गई, अब हमारा रास्ता थोड़ा साफ हो चुका है एक मिनट के लिए। तो हमें जल्दी जल्दी से इसकी एक की निकालनी पड़ेगी। तो यार इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसको हमने निकाल ली, सिक्योरिटी की मिल चुकी है हमें। चलते हैं और रूम खोलते हैं सामने वाला जिसमें सिक्योरिटी की लगेगी। तो यार सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो यार सिक्योरिटी की किसी काम की नहीं निकली, तो हम गन ही उठा लेते हैं और नीचे चलते हैं। तो यार तो ग्रैंड पा को सबसे पहले मार देता हूँ, ग्रैंड पा मेरे ख्याल से आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ग्रैंड पा को मार दिया। ग्रैनी के लिए हमें थोड़ी सी आवाज़ करनी पड़ेगी, तो एक बार गन फेंक देता हूँ मैं। अब यार सामने ग्रैनी भी आ गई, तो ग्रैनी को भी मार देता हूँ। तो यार ग्रैनी को भी मार दिया हमने। भाई हमें एक को और मारना पड़ेगा इसको, तभी हमें कुछ यहाँ मिलेगा। तो इसको भी मार दिया हमने। तो यार बहुत आवाज़ करता है, इसको मारना ज़रूरी था। तो यहाँ हमें कुछ तो मिल जाएगा, क्या होता है। ओ यार क्रोबार मिल गया हमें इसका, चलो जल्दी से यूज़ करते हैं उन ग्रैनी से आने से पहले। तो सबसे पहले ऊपर चलता हूँ मैं, तो इसका यूज़ मेरे ख्याल से इसके पीछे यहाँ पे होगा। तो इसमें कुछ मिल जाए क्या पता। तो यार हमें पेड़ लकी मिल चुकी है फाइनली, तो मुझे लगता है हम इस बार भी बॉट स्केप कर लेंगे। जल्दी से नीचे चलते हैं और उस लॉक को खोलते हैं ग्रैनी से आने से पहले। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट्स गो। तो यार हमें यहाँ पे ये वाला लॉक खोलना है, तो जल्दी से खोल देते हैं। तो इसको नीचे करना है। तो यार ये भी नीचे हो गया, बस यार हमें बोट की चाहिए जो हमने सबसे पहले हमें मिल चुकी थी, तो बस उसको लेके आना है। तभी बोट स्टार्ट होगी। तो हमें ये यहाँ पर मिली थी, तो इसको जल्दी से मैं उठा लेता हूँ। बस भाई मेरे ख्याल से हो जाएगा पार अगर ग्रेनी ना आए तो। बंद कर देते हैं यार, ग्रेनी कभी भी आ सकती है। तो यार यहाँ पे एक बार देख लो सब कुछ, तो सब कुछ, हाँ सब कुछ लग गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाँ यार इस बार भी मैंने बोट स्केप कर लिया है, तो ये मैं सेकेंड बार कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना।